सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। बेअदबी दीआं घटनावां रुकण दा नाम नहीं लै रहीआं। ताज़ा मामला पटना तो सामने आया जिथों दे इक मॉल दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का बुत लगा दिता गया। हालांकि इस बुत नूं हटा दिता गया है पर मामला काफ़ी भखदा होया नज़र आ रहा है। इस नूं लैके भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपना प्रतिक्रम दिता है। पटना साहब दे विच इक मॉल दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी का बुत लाया जी, की है सारा मामला जी? देखो मैं उधर पटना साहब जी गल की प्रबंधक ने उतो के वाइस प्रेजिडेंट गए थे गुरद्वारा साहब गुरद्वारा पटना साहब बोर्ड के, उन्होंने दसाया कि एक मॉल के अंदर एक स्थान देते उन्होंने सारे गुरुआ के बुत लगाए थे। उत्तर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का भी उन्होंने जिते ने बुत लगाया से सिंह जी फैमिली है जी। फिर उन्होंने जाकर दसाया कि साढ़े अंदर यह बुत पूजा नहीं हो सकती, उन्होंने माफी मंगी और उन्होंने तुरंत उतों उन्होंने बुत पूजा से रैप अप कर लिया और फिर उतों रिमूव किया गया। पटना साहब की कमेटी जो मेरी कल मेनू जानकारी लैन तो बाद पता किया, मैं पता लगा वीडियो देखी सोशल मीडिया से गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना इष्ट मनदे आ, जात जोत मनदे आ और हर धर्म किसी नूं जिन्हां दे धर्म जिहड़े कोई बुत मनदे ने उह उहनां नूं मुबारक। लेकिन साडा सिख धर्म दा जिहड़ा मुढ़ले जिहड़े साडे असूल ने सिधांत है उहदे विच बुत दी नहीं, इह गलत है। जे किसी ने जिन्हां ने बुत लाया उहनां ने बिल्कुल इह गलत कीता और इहदे विच सिख कौम नूं पर पहला यह देखना चाहिए कि जिन्होंने वो माल दे विच बुत लाया वो लाया क्यों आ जी, कौन ने इहदे पिछे। असल गल आ कि सिख धर्म दे उत्ते अज बड़े बड़े वड्डे जिहड़े आ वो हमले हो रहे ने जी। मैं यह गल कहांगा कि यह एक उन्हां हमलों दे विचों ही एक हमला है जो कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए है। तो जो बुत लग रहा है उन्होंने किसी परमिशन ने बुत लाया, जो बुत उत्थे लगा तो जिन्होंने पता लगा जिहड़े प्रबंधक उत्थों दे आ उन्होंने की कार्रवाई की हुण तक, ये असी इस चीज़ की जी बिल्कुल सहमत नहीं हैगी, ये गलत है। और ये सिख धर्म के उत्ते आस्ते आस्ते ये मैं ये गल कहांगा कि जिहड़ी सिख विरोधी लॉबी आ जी खास करके RSS वो साढ़े ते मतलब के नब्ज से हाथ रख के वेखदे आ भी ये जिहड़े सिख ने भी ये किन्ने क सुचेत ने कि इन्हां दे विच्चों अजे कोई खून का कतरा जिहड़ा अणखावा खून का कतरा है वह बाकी है कि जां खत्म हो गया जी। क्योंकि अज तक हुण तक जिस तरह पंजाब दे विच ही तुसीं गल करो कि एजुकेशन बोर्ड वालों सिख धर्म के खिलाफ जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां किताबां जिहड़ियां लिखी जा रही, मैं हुण भी उन्हां दा केस जिहड़ा चुक रहे हैं जी। सो किताबां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरु साहिबां नूं जो डॉक्टर अचकल ने की पंजाब एजुकेशन बोर्ड वालों सिखां नूं पढ़ाई जानियां इन्हां दे पिछे जिहड़ियां साजिश घाड़े आ जिहड़े वह एक इस चीज़ जा रहे ने कि यह जिहड़ा सिख धर्म है जी दुनिया के धर्मां तों वक्खरा निवेकला धर्म है पिछे साजिशां काम कर रही ने जिन्हां ते सानू गंभीरता नाल चलने की लोड़ है और जिन्हां ने यह बुत लाया वो किसी परमिशन लाया उन्होंने खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए जी। धन्यवाद जी, मेहरबानी। दस दी कि साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों भी इस मामले की निखेधी की गई है। उन्होंने ट्वीट किया है तो तस्वीर भी साझी की है तो दोषियों से बनती कार्रवाई करने की गल आखी है। हुण देखना होगा कि आने वाले समय के मामला की मोड़ लैंदा है। कैमरामैन गुरप्रीत सबरवाल के मैं धर्मेंद्र संधू जुड़े रहो D5 चैनल पंजाबी दे नाल। D5 चैनल पंजाबी ते होवेगी पख दे मुद्दयां दी गल, सियासी पार्टियां नूं करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल।
5 जून तो लैके आ रहे हैं तुहाडे भरोसे दे साथी D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट। सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।